तो सुनो गाइस, देखो गिल का सीन क्या है। अब मैं आपको सीधा, और कोई इसमें झूठ नहीं है, पूरा सच है, आप जाके गिल से कंफर्म कर सकते हो। तो जैसे ये पबजी मोबाइल अपना ये जो फाइनल वर्ल्ड लीग फाइनल खत्म होता है, गिल का मेरे पास कॉल आता है, राइट। सो गिल बोलता है कि क्रोनटेन मुझे वर्ल्ड लीग नहीं खेलना है गॉडलाइक से। तो मैंने बोला क्यों भाई? तो वो बोला कि मतलब जो परफॉर्मेंस वगैरह था टीम का और ये सब कुछ आपको तो पता ही है। तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं खेला। तो मैंने बोला भाई मैंने बोला कि भाई तो ऐसे बीच में कैसे छोड़ के जा सकता है। और फिर उस पर बहुत बहस हुए हमारी। तो उसने बोला नहीं मुझे ऑरेंज रॉक से खेलना है। तो मैंने बोला ऐसे ऑरेंज रॉक से कैसे खेल सकता है? तो वो खुद मुझे डायरेक्टली बोला कि हाँ मैं खेल सकता हूँ, मेरी बात हो रखी है किसी से। अब मुझे नहीं पता उसकी बात किसी से हुई क्या हुई। तो ही सेड कि मैं ऑरेंज रॉक से खेलूँगा, मेरी बात भी सब हो रखी है। तो मैंने बोला लेकिन अभी ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है तू? तो देन गिल बोला कि वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं खेलना इनके साथ, ठीक है। तो गिल ने बोला कि तुम किसी को भी ले लो, कोई भी तुम्हारे टीम में आएगा। मैंने बोला भाई हमारी सिनर्जी है, हमारा टीम अच्छा है, हमने पीएम से भी जीता है और ये भी सारी चीज़ें। और अभी अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में टीम एक साथ नहीं है, मतलब टीम एक जगह पे नहीं है। तो मे बी इसके चक्कर में प्रॉब्लम हो रही थी। जब तुम बूट कैंप पे थे तो अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जो अभी परफॉर्मेंस डाउन है तो ऑब्वियसली बात है सब अपने अपने घर है। और आपको पता है यार लॉकडाउन के चक्कर में कितने दिक्कत हो चुकी है। तो फिर वो बोला वो मुझे नहीं पता, मैं ऑरेंज रॉक से खेलूंगा वरना मैं खेलूंगा ही नहीं। तो उसने ऐसे बोला। मैंने बोला देखो किसी प्लेयर का करियर खराब करने से तो अच्छा है। मैंने बोला ठीक है तुझे अगर जाना ही है तो मैंने ऑरेंज रॉक के जो उनको कुछ पता नहीं था इसके बारे में, मैंने ऑरेंज रॉक को बोला तुम ऐसे बीच टूर्नामेंट में से कैसे कर सकते हो, किसी प्लेयर को कैसे ले सकते हो। मैंने बोला गिल के पास ये कन्फर्मेशन होगा ना कि भाई तू ऑरेंज रॉक से खेल सकता है। तो इसीलिए तो गिल ने 100% कहा कि मैं गॉडलाइक से नहीं खेलूंगा वर्ल्ड लीग, मैं ऑरेंज रॉक से खेलूंगा। वो बोले हमें नहीं पता, हमारे पास ही कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आई है। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, और जिस प्लेयर को अपने टीममेट्स के ऊपर भरोसा नहीं है तो ऐसे मतलब मेरी टीम भी बोली कि नहीं यार अभी हम कैसे खेल सकते हैं गिल के साथ। तो सबका हमारा डिसाइड हुआ कि उसको जाना है ऑरेंज रॉक, वो जा सकता है। मुझे नहीं पता ऑरेंज रॉक की टीम आगे क्या रहेगी। तो हमने बोला कि अगर तुम ऑरेंज रॉक में गिल के ले रहे हो तो फिर वैम्पायर से हमने बात करते हो। वैसे भी वैम्पायर उनमें कभी फिफ्थ होता है, कभी सिक्स होता है, कभी खेलता है, और वैम्पायर में वो पोटेंशियल है, वैम्पायर इज़ गुड प्लेयर गाइज। तो इसलिए हमने फिर ऑरेंज रॉक को बोला कि एक काम करते हैं, ना ही कोई हमें आपसे हेट करनी है ना कुछ करना है, तुम वैसे भी गिल ले रहे हो तो हमें वैम्पायर दे दो परमानेंटली। सो एट दी एंड इस बात के ऊपर ये बात फिनिश हो गई। सो अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि गॉर्डेल गिल गॉडलाइक में नहीं है ऑफिशियली। उसको अभी मेल तो अभी आज चला जाएगा, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट है वो सब खत्म हो चुका है, एंड गॉडलाइक में वैम्पायर खेलेगा। अब बस अब कोई भी स्पैम नहीं करेगा गाइस। देखो एट दी एंड प्लेयर का डिसीजन होता है यार, तुम समझ रहे हो इस बात को। अब मुझे नहीं पता कि भाई वो ऐसा कभी भी उसका थिंकिंग नहीं था। और टीम परफॉर्मेंस भाई, तो तू टीम से बात कर ले, उनको बोल दे कि अगर तुम ठीक से नहीं खेलोगे फ्यूचर में या कभी भी तो तू जा सकता है। मैंने बोला वर्ल्ड लीग तो एटलीस्ट कंटिन्यू कर ले, वर्ल्ड लीग तो फिनिश कर ले, बट नहीं उसको नहीं खेलना। वो बोला मुझे खेलना ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने बोला तो किससे खेलेगा? वो बोला ऑरेंज रॉक से खेलूंगा। मैंने बोला उधर तू फिफ्थ ले? वो बोला नहीं मैं प्लेइंग फोर में हूँ, मेरी बात हो रखी है वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, और किसी प्लेयर का अपन को करियर ख़राब नहीं करना है। सो बस। और गाइज मैंने आपको ये स्ट्रिक्टली मतलब डायरेक्टली बता दिया क्योंकि मैंने चाहता था कि आपको कुछ और उसका एक ही रीज़न था उसको जाने का। तो देखो उसने तीन रीज़न बताया मेरे को। पहला, जब पहली बात हुई थी तो उसने बोला था वहाँ पे दो पंजाबी लोग हैं, मतलब मावी और दलजीत, तो बोले पंजाबी है तो हमारा बात भी ऐसे ऐसे बोला। तो चलो ये तो रीज़न वैलिड नहीं था। फिर बाद में अभी जब रिसेंट मैंने पूछा तो बोला टीम परफॉर्मेंस। तो मैंने बोला टीम परफॉर्मेंस ब्रो, वर्ल्ड लीग के बाद भी तू जा सकता है, लेकिन फिर वो बोला नहीं मुझे अब भी जाना है, हम मुझे वर्ल्ड लीग ही खेलना है उनके साथ। तो मैंने बोला ठीक है ब्रो। मैं कुछ नहीं बोल सकता था ना गाइज, अगर प्लेयर को टीम के साथ नहीं खेलना है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सो एट द एंड चाहूँ तो मैं उसे रोक सकता था लीगल बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बट हमें वो चीज़ नहीं करनी है। एंड कोई भी गिल को हेट मत देना गाइज, कोई बात नहीं है, गिल ऑरेंज रॉक में गया है तो उसको उसको ऑल द बेस्ट हमारी ओर से।
एंड वैम्पायर इतना बढ़िया प्लेयर है, अभी हम खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेलता है वैम्पायर, और हमें फिर से एक मौका मिला है कि लाइक वैम्प। और रही बात हमारी इंटरनेशनल और की, सो गाइज एक बार वो अनाउंसमेंट हो जाएगा ना, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे और कौन क्या है, ठीक है? तो बस वेट करो, मेरा सारा प्रोसेस चल रहा है। 21st को आपको मैं हिंट दे दूंगा कि वो और कौन सी है, और 25th को मैं वो ऑफिशियल अनाउंस कर दूंगा। सो दैट्स इट। समझी स्टोरी की?